इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। कह दिया ये तो पाप के बीज हैं, इनकी आकांक्षाएं मत करना, नाशवान भी हैं और पाप के बीज भी हैं। बीज वो डालना है जैसे कि महापुरुषों ने एक एक बार बीज के रूप में हाथी की पर्याय में, सांप की पर्याय में उपदेश मिले। आपको पता है शांतिनाथ भगवान की पर्याय कभी आता है कि एक राजा थे और कबूतर की जान बचाने के लिए अपना शरीर का मांस दे दिया था, और आगे चलकर एक एक जीव के प्रति, हम जीव के प्रति कुछ ना दें, तन नहीं दे सकते हैं, कम से कम मन से भावना भाएं कि भगवान सब प्राणी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। अभी आप भले मंदिर में आ कहते कह देते हो कि भगवान जीव में सबका कल्याण हो, लेकिन सच बताना ऐसी भावना होती है क्या? क्योंकि कहते हैं वक्त के भी अजीब किस्से होते हैं, वक्त के भी अजीब किस्से होते हैं, किसी को समय मिलता नहीं और किसी का समय कटता नहीं। जवानी में समय मिलता नहीं और बुढ़ापे में समय कटता नहीं। जवानी में बोलने को मन नहीं करता और बुढ़ापे में बोलने का मन करे तो सुनने का किसी का मन नहीं करता है। तो ध्यान रखना, ये सब तो जो मौन रहता है उसकी वाणी प्रखर हो जाती है। जो जीवन में मन जिसका विशुद्ध होता है, आज भी विज्ञान तक कहता है कि उसे 2 साल बाद भी क्या घटना घटनी है, सरल मन होता है तो उसको आभास हो जाता है। तो ध्यान रखना, हम समय की कीमत करें, समय हमारी कीमत कर देगा, क्योंकि समय गया हुआ समय दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए समय को समय सारमय बनाए, समय को व्यर्थ की बातों में नहीं गुजारें। क्योंकि कहते हैं हम एक दूसरे को देखने में समय गुजार रहे हैं, बोले वो भी क्या देख रहे हैं, देखना है तो परमात्मा को देखो। निरखो अंगी अंग जिनवर के, जास जल के शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार, पर दुख में इस जगत में निज आत्म तत्व के सा, याते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार। ध्यान रखना, भगवान की आंखें भी क्या कहती हैं कि सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ये दृश्य तेरी तुझसे ये जुड़ चुकी है, आवाज कान को भी नहीं और की सुगाती, गाथा गुणों की तेरी मन को बही है भाती। ध्यान रखना, धर्मात्मा तो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे निज स्वरूप का भान होता है कि मेरा सच्चा स्वरूप, सच्चा स्वभाव, सच्ची उपलब्धि तो तुम जैसी है। हम लोग व्यापार करते हैं क्योंकि सब लोग मंदिर में आते हैं तो लगता है एक नंबर के धर्मात्मा, और ये मत सोचना कि साधु बन जाए, हम लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। यदि हमारा मन अच्छा नहीं रहा तो हमारा भी कल्याण नहीं होगा। ध्यान रखना, परिग्रह सिर्फ पदार्थों का संग्रह परिग्रह नहीं है। पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, दूसरों को गिराने की भावना है, ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारी भी ये भावना है किसी को बुरा करने का, किसी का तो हम भी आँख से पहले न रख जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ऊपर वायुयान में पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे, फिर स्कूटी पर चलने लगे, फिर मोटरसाइकिलों पर, फिर कार पर, और फिर आप वायुयान प्लेन पर। लेकिन आप ध्यान रखना, जो नीचे चलता है वो गिरे तो थोड़ी सी ठोकर आती है, और जो ऊपर उड़ता है वो गिरे तो बहुत बड़ी ठोकर आती है। मात्र शब्द और वेश बदलने से नहीं होगा, अंदर में उद्देश्य बदलना चाहिए,
उद्देश्य अच्छे होने चाहिए कि हमने जीवन क्यों पाया है। अपनी पहली स्थिति को कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग कभी कभी घमंड करते हैं, किसी से बुरा बोल देते हैं, लेकिन सोचो आज अपन किसी नौकर से बहुत चिल्ला कर बोल देते हैं, सोचो उस जगह हम होते तो हम पर क्या गुजरती, इसकी मजबूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि आप किसी को डांटते नहीं हो। मैं सोचती हूँ किसी को क्या डांटना। अरे कई बार लोग हमसे कहते हैं आप किसी को हेल्प करते हो, सोचते हम कौन होते हैं। हम किसी को कुछ नहीं करते हैं, उसका पुण्य है। और हमेशा सोचना कि आपके तो ऊपर वाले ने आपके घर पर उसके भाग्य का दिया है, तुम उसके भाग्य का भी उसको नहीं दे पाओगे तो तुम्हें भी ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। तुम्हें मन दिया है तो मन को सुंदर शांत सरोवर बना दो जिसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखती हों। कल्याण मंदिर में कहा है कि भगवान आप ऐसे गुणों के सागर हो, आप ऐसे गुणों के सागर हो, मैं अल्प बुद्धि हूँ। यदि सागर में पानी कम भी हो जाए और रत्न दिखने भी लगे, लेकिन रत्न गिनने में नहीं आ पाते हैं। परमात्मा मैं आपके गुणों को कैसे देख सकता हूँ, मेरे पास बल बुद्धि विक्रम कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान मैं उस उल्लू के बच्चे की तरह हूँ जिसे दिखता नहीं है लेकिन फिर भी देखने की कोशिश करता है, और मैं उस कोयल की तरह हूँ जिसे आम वृक्ष की मंजरियाँ आप बरबर करती हैं, बोलने के लिए बेबस करती हैं। मैं क्या करूँ, आपके गुण इतने हैं कि मैं आपकी स्तुति को उद्दत हो जाता हूँ। और कितनी अच्छी बात कही है विशापहार स्तोत्र में, कहा है धनंजय कवि ने कि जिस प्रकार से छोटी सी खिड़की से बहुत कुछ दिखता है, इसी प्रकार से परमात्मा मेरे छोटे से छायुस्तम ज्ञान से, मेरे अल्प ज्ञान से भी तुम्हारी इतनी बड़ी वातायन को मैं देखने की कोशिश करता हूँ और मैं करूँगा, और एक दिन तुम्हें पा जाऊँगा। क्योंकि आप ही ऐसे हो जो दीर्घायु होने पर आप अब कभी मरोगे नहीं लेकिन बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होगे, और आप ही ऐसे हो जो सबको जानते हो, आपको कोई नहीं जान पाता है। जो आपको जान लेता है वो आप जैसा ही हो जाता है। ध्यान रखना, दुनिया का हर देवता सिर्फ दौलत देता है लेकिन हमारे परमात्मा वीतराग देव ऐसे हैं जो इनकी स्तुति करने वाले को स्वयं महादेव बना देते हैं, जिन देव बना देते हैं, जिन देव किन्हें कहते हैं, जिसमें जन जन के कल्याण की भावना हो उन्हें जिनेंद्र देव कहते हैं। जितेंद्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। हम जैसी आप जैसी नहीं कि जबरदस्ती माला फेरना है तो आँख बंद कर लो, मन कर रहा तब भी मत खोलो, ऐसा नहीं है। हमारे यदि मौन भी ले लेते हैं तो क्या लगता है, जैसे ही बात पूरी हो माला पूरी हो बोल दो, और अंदर तो चलता ही अब माला पूरी होगी ये कहूँ, होता है ऐसा, हम लोगों को भी होता है। अभी सच्चाई यही है, देखना कोई मंदिर में आ जाए और तुम्हारे मिलने जुलने वाली लेडीज हो और तुम्हारी तरफ ना देख पाए तो तुम माला फेरते फेरते भी उसी की तरफ देखती हो कि दिख जाए तो कह दूँ बैठ जा। हम लोग भी कभी कभी हो जाती है गलती, ऐसी बात नहीं, लेकिन होती है परिणति, क्योंकि अभी स्थिरता नहीं बनी है। इस दिन स्थिरता बन जाएगी। और सच बताना, यदि कोई ऐसा वैसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारी लड़ाई हो रही हो और वो तुम्हारी तरफ देखे तो भी तुम आँख बंद करके माला और फेरने लगते हो, कहीं नज़र नहीं मिल जाए, नहीं तो मुस्कुराना पड़े। उस समय तो ऐसा लगता बोझ सा, कोई मिल भी जाए जिससे तुम्हारी पटती नहीं और वो जय जिनेंद्र करे तो तुम्हें लगते हैं पत्थर पड़ गए तुम पर, तुम जय जिनेंद्र का जवाब भी सुन, जय जिनेंद्र माने तुम्हारे बोलने में भी अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है, तुम्हारा द्वेष भावना। हम वैसे तो कहते हैं हमारे कोई कसाय भाव नहीं है, लेकिन हम तो बोलते ही नहीं है। अरे तुम्हें कसाय भाव नहीं हो तो बिना बोले रह ही नहीं सकते हो। तो ध्यान रखना, हम अपने जीवन में इस समय को बेकार नहीं खोएंगे, क्योंकि 7 दिन में तो मौत हो ही जानी है। 7 दिन में तो ध्यान रखना, कोई 7 दिन होंगे, कोई तारीख होगी 30 दिन में से, एक न एक दिन मौत हमारी
आ ही जाएगी तारीख कोई ना कोई 30 में 31 होगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा मरने के बाद दोबारा दूसरा दिन नहीं आता, फिर व्यापार नहीं होता, फिर बीमारी नहीं होती। एक व्यक्ति गया और कहने लगा मुझे तेज गाड़ी चलाने की आदत है, कोई खतरा तो नहीं है? तो वो जो सामने वाला था कहने लगा क्या बात है, कहले मैं तेज गाड़ी चलाता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं? उसने कही दो संभावनाएं, या तो टकराओगे या तो नहीं टकराओगे। उसने कहा फिर आगे को तो कुछ दिक्कत नहीं? उसने कही टकराओगे, नहीं टकराओगे तो कोई बात ही नहीं, टकराओगे तो दो संभावनाएं। बोले क्या? बोले या तो चोट लगेगी और या तो नहीं लगेगी, नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं और चोट लगी तो दो संभावनाएं। बोले क्या? बोले या तो तुम मर जाओगे, मर जाओगे तब भी समस्याएं खत्म ही हो जाएंगी, और जीते रहे तो संभावना या तो ज़्यादा रहोगे तो अस्पताल में भर्ती हो जाओगे, नहीं तो वेंटिलेटर पर रहोगे रहोगे। तो हमारी उस वेंटिलेटर वाले जैसी हालत है, जो हम बोलते हुए भी सही नहीं बोल पा रहे, हम सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे हैं। और परमात्मा से एक ही बात कहेंगे, भगवान मुझे कुछ राज्य देना या नहीं देना? तुम जैसा राज्य देना, क्योंकि एक राजा के बेटे नहीं था। अपन प्रथमानी युग में कितनी कहानियाँ पढ़ते हैं, सुकमाला यशोधर चरित्र आदि में पढ़ते हैं, सुकमाला की कहानी पढ़ते हैं कि खुद की पत्नी ने पति को धक्का दे दिया और वो नदी में डूब मतलब बह गया, और दूसरे जहाँ गया वहाँ के राजा की मौत हो गई थी। और राजा की मौत हुई तो कोई हाथी छोड़ा जाता था, हाथी जिसके गले में वरमाला डाल दे वही राजा हो जाता था। तो कहते हैं उसको वहाँ राज्य मिल गया। बुद्धिसेन के बारे में आता है, मनोवती के पति के बारे में, कि गए तो वहाँ राजा ने राजा बना दिया इसको। जहाँ जहाँ पुण्य का उदय होता है, ध्यान रखना पुण्य उदय जब फलता है, कहते हैं कि पाप उदय में आदमी मेहनत करता है और पेट भर रोटी, बच्चों की शिक्षा, स्वस्थ शरीर कुछ नहीं पा पाता है। हम लोग कभी जो नहीं मिला उसके लिए मत सोचो, अरे कोठरियों में भी जिंदगी गुजर जाती है। क्यों जिंदगी की कमाई कोठरियों में लगा देते हो? दूसरों को दिखावे के लिए? सच बताती हूँ, आदमी बड़ा बेवकूफ है, अपनी जिंदगी तबाह कर देता है दूसरों के लिए। अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन, पदवंदन शतु अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका, जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा, डॉक्टर श्री चंपक लाल छोटा लाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, सोला रोड, अहमदाबाद, गुजरात, स्वर्गीय श्री मौजी राम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता ₹21,000 मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए ₹11,000 मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था ₹2100 मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00002501।